सादर प्रणाम। जो साधक प्राण ठार ऊर्धे अमृत प्रवाह को प्राप्त करी गायत्री महाविद्यार गतिशील हूँ से सामरु साम को जाणी था से माने जाणी था अज क्योंठारे प्रत्यक्ष होइथाय अथर्व वेद। हे देवतागण, सूर्यंक तेजस्विता, अग्निंक प्रखरता, चंद्रंक शीतलता, स्वर्णर आभा मनुष्यर जीवन को उच्च को उठाई थाए। निजर संयम द्वारा यह शक्ति गुड़िक बढ़ाई से शत्रु मानकर विनाश करे। यही प्रकार से जीवनर सर्वोच्च स्थिति को प्राप्त करिथाए। विजय प्रार्थना सूक्त अथर्व वेद। पुस्तकर नाम अथर्व वेद संहिता भाग एक। पुस्तक परिचय। वेदर प्रत्येक विभाग भली अथर्व वेदर निजर किछि एपरी विशेषता अछि जहाँ आधार रे अनेक वेदज्ञ ताहाकु अतुलनीय मानि थांति। वेदर अन्य शाखा गुड़िकर निज निजर विशिष्ट दिग अछि, किंतु अथर्व वेद को निज बुद्धि रे मानिले जीवनर समग्रता को एकाठी करिछि। सृष्टिर गूढ़ रहस्य, दिव्य प्रार्थना एवं यज्ञ प्रयोग, रोग बजार, विवाह, प्रजनन, परिवार, समाज व्यवस्था एवं आत्मरक्षा आदि जीवनर समस्त पक्ष गुड़िक एथिरे समावेश होइछि। वेदर अन्य धारा गुड़िकर गूढ़ ज्ञान सहित शुद्ध विज्ञान अछि, किंतु अथर्व वेदरे ज्ञान विज्ञानर गूढ़ धारा गुड़िक सहित व्यवहारिक विज्ञान मध्य अछि। पुस्तकर किछि प्रश्न। कौन अथर्व वेदरे आम जीवन संबंधी समस्या गुड़िकर समाधान उपस्थित अछि कि? अथर्व वेद को आद्य काहेकि कहुए? वेदार्थ को लोकलोचन को आणिबा पई कहार योगदान महत्वपूर्ण होइथाय? अथर्व वेदरे आज क्यों संहिता प्रचलित अटे? अथर्व वेद को ब्रह्म वेदर संज्ञा काहेकि प्रदान करा जायछि? कौन अथर्व वेद सहित संबंध रखिथिबा साहित्य उपलब्ध अछि? अथर्व वेदर सूत्र ग्रंथ कौन अटे? यही सब प्रश्नर उत्तर को नहीं आपणक सम्मुखें प्रस्तुत अथर्व वेदर महत्वपूर्ण सूत्र जहाँ आम जीवनर विभिन्न दिग सहित संबंधित अटे तथा समस्या गुड़िकर निराकरण करिवारे सहाय्य करिथाय। पुस्तकर किछि अंश। वेद मंत्र अनेक अर्थ रूप से होता है एवं आलंकारिक स्थूल वस्तुगुड़िक प्रक्रिया गुड़िक मध्य गुड़ रहस्य को बुझाइबारे ऋषि मानकर विशेषता रही। निजक सदाचारी बनाई नीतिनिष्ठ तथा समर्थ बनाइवा जी आवश्यक दुष्प्रवृत्ति दुष्प्रयास गुड़िकु निजक बचाईवा से आवश्यक। वेदरे ऋषिगण निजर सांकेतिक भाषा उपयोगी कथा बताई आमर बुद्धि जी बुझिपार तहार लाभ उठाइवा, किंतु जो कथा आम बुझिपार नहीं ताहाकु कौनसी हीन परिकल्पना सहित जोड़ीबा उचित नुहे। पिशाच मानक द्वारा करा जाउथिबा पाप को दूर करी पारुथिबा, ब्राह्मणक अभिशाप को नष्ट करी पारुथिबा तथा देवता मानक द्वारा उत्पन्न होउथिबा विशुद्ध आमर समस्त पाप को सही प्रकार धोई देथाय, जेउ प्रकार जल समस्त मैला को धोई देथाय। सापमोचन सूक्त। जल समस्त रोगर औषध अटे। स्नान पान आदि द्वारा ही यही जल औषध रूप से समस्त रोग को दूर करिथाए, जहाँ अन्य औषध भले गोटे रोग को नुहे बरम समस्त रोगर औषध अटे। हे जोगी, एपरी जल द्वारा समस्त रोग दूर हो। क्षतनाशन सूक्त। प्रत्येक यज्ञ रे आधार रूप नैवेद्य पहुँचाउथिबा एवं प्रत्येक कर्मरे सेवन करिबा योग्य अग्निदेव को आम प्रार्थना करुछु। एही अग्निदेव राक्षस गणकर विनाशकारी तथा यज्ञर वर्धनकारी अटंती। घृताहुति द्वारा जहाँ को प्रदीप्त करिथांती एही अग्निदेव आम को पापरु मुक्त करांतु। पापमोचन सूक्त। जेऊ राष्ट्रे ब्रह्म विद्या को जड़ता पूर्वक प्रतिबंधित करा जाए से ही राष्ट्रर घर मानक बड़ कान तथा विशाल मस्तिष्क पुत्र जन्म नियंती नहीं। ब्रह्मजाय सूक्त। पुस्तकर किछि बिंदु। अथर्व वेदर अनेक अभिधान। अथर्व वेदर
शाखा विस्तार किछि रहस्यमय प्रसंग प्रथम कांड चतुर्थ कांड अष्टम कांड नवम कांड परिशिष्ट एक लेखिकांक विषय रे माता भगवती देवी शर्मा गायत्री परिवारर संरक्षक संस्थापक पंडित श्रीराम शर्मा आचार्यंक पत्नी तांक भितरे एपरी शक्ति थिला जे गायत्री परिवारर निर्माण करिथिले एवं पृथ्वी पृष्ठरे देवत्व आणिबा उद्देश्यरे निजर समस्त सदस्यमानंक मध्यरे प्रेम करुणा एवं सामाजिक सेवार भावना जाग्रत करिथिले। धन्यवाद।